अयोध्या जनपद के पुलिस लाइन स्थित सभागार में डीजे संचालक की हत्या व डकैती का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि इनायतनगर पुलिस स्वाट टीम व सर्विलांस टीम को मिली सफलता, एक बाल अपचारी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, डकैती में गया डीजे से संबंधित शत प्रतिशत सामान बरामद, डकैती का विरोध करने पर डीजे संचालक छेदी लाल चौरसिया की लोहे की रॉड से मार कर दी गई थी हत्या। हत्या में प्रयुक्त लोहे का रॉड भी बरामद, 11 एम्पलीफायर, 10 SRP लाइट, 4 मिक्सर, 1 पंखा, 1 14 सॉकेट वाला इलेक्ट रिक बोर्ड, 3 देसी तमंचा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ई रिक्शा बरामद। थाना इनायतनगर के टक्सरा गांव में 15 मई की रात में हुई थी डकैती व हत्या। दिनांक 15/16 की रात को थाना इनायतनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टक्सरा में अशोक डीजे हाउस में एक व्यक्ति छेदी लाल चौरसिया की हत्या की सूचना पुलिस को सुबह 16 तारीख को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई थी। जो मृतक है उसके पुत्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। टीमों का गठन किया गया था घटना के अनावरण के लिए। हमारी थाने की टीम तथा जनपद की स्वाट व सर्विलांस की टीम अनावरण दिशा में कार्य कर रही थी। आज सुबह टीम को सफलता प्राप्त हुई। बाद में यह भी जानकारी में आया था हत्या के साथ साथ डीजे के गोदाम से काफ़ी सामान भी गायब था। पुलिस की टीम को आज सुबह जानकारी में यह आया कि कुछ लोग कुचेरा और शाहगंज रोड पर एक ई रिक्शा व मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। हमारी टीम ने तुरंत चेकिंग लगाई और इन पांचों लोगों की गिरफ्तारी की। पांचों लोगों से गिरफ्तारी में टीम को जामा तलाशी में इनके पास से कुल 3 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ की गई तो 15/16 को मई की रात को ही घटना की स्वीकारोक्ति इन लोगों ने पूछताछ में की। कुल 5 अभियुक्तों में एक माइनर है। 4 अभियुक्त निखिल, मुकेश, अर्जुन और बाबा व शनि हैं। इनसे पूछताछ की गई इनकी निशानदेही पर। जो हमारा डीजे गोदाम से पूरा माल गया था, कुल 11 एम्पलीफायर्स थे, 10 SRP लाइट थी, मिक्सर थे, पंखे थे, सबकी बरामदगी हुई है कि निशानदेही पर। जिस लोहे की रॉड से इन्होंने मृतक छेदी लाल चौरसिया की हत्या की वादी बरामद कर ली गई है। प्रकरण में इन पांचों लोगों को जेल भेजा जा रहा है और सघन पैरवी कर इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराई जाएगी। पूर्व में हम कदमा 302 IPC में पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना 2 तथ्य प्रकाश में आए, उसके क्रम में 396 व धारा 412 में परिवर्तित हो गए। इन पांचों में एक निखिल नाम का व्यक्ति है जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। थाना पूरा कलंदर से चोरी के कई मुकदमों में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य जो अपराधी हैं उनके आपराधिक इतिहास के विषय में अन्य थानों से जानकारी की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।